तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में किसके हैं नेता जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नेताजी हम लोगों के संरक्षक हैं, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए नेताजी सबके हैं, सब नेताजी के हैं। नेताजी के आशीर्वाद से ही आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी सदैव नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम किए हैं, उस चीज़ को नेताजी बखूबी जानते हैं, इसलिए माननीय शिवपाल जी के साथ माननीय नेताजी। आज आप लोग यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं जन्मदिन? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत तेज़ी से माननीय शिवपाल जी के नेतृत्व में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया जनपद भदोही में इतना बड़ा विस्तार हो जाएगा कि आप लोगों को ही लगेगा कि कितनी कार्यकर्ता हमारे पुराने हैं। शिवपाल जी का मजाया क्षेत्र है। आज जनपद भदोही में जो भी विकास कार्य आप देख रहे हैं, चाहे सड़क हो, जो भी विकास कार्य देख रहे हैं, माननीय शिवपाल जी की देन है। माननीय शिवपाल जी ने लोक निर्माण मंत्री रहते हुए, राजस्व मंत्री रहते हुए, सिंचाई मंत्री रहते हुए जनपद भदोही को जितना बड़ा योगदान दिया है शायद किसी ने इस जनपद को दिया हो। जी हाँ, आप लोग क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? हम लोग सबसे पहला प्राथमिकता है संगठन को कंप्लीट करना। 51 सदस्यीय कमेटी जो है अनुमोदन के लिए जिले की भेज दी गई है और विधानसभा स्तर पर संगठन में बहुत तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। संगठन तैयार होने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया संघर्ष भ्रष्टाचार और